केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार कृषि उपज की कीमतों और बागवानी उत्पादों की खुदरा लागत के बीच भारी असमानता को दूर करने के लिए एक समिति स्थापित करेगी। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2024 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां किसान 5 रुपये प्रति किलो पर सब्जियां बेचते हैं, वहीं उपभोक्ताओं को 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता है व इस अंतर को कम करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अगले महीने कृषि चौपाल शुरू करने की योजना का भी खुलासा किया, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान में प्रयोगशाला से भूमि अंतर को पाटना है। उन्होंने ICAR विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के तहत उनके खंडित प्रबंधन के बारे में चिंताओं को उजागर करते हुए देश में 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों के कामकाज को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोशिश ये है कि पर हेक्टर यील्ड तो बढ़े लेकिन लागत कैसे घटे, तो राज्यों को कोशिश करनी पड़ेगी। फिर जो प्रयोग हम यहां करते हैं, लैब टू लैंड कैसे तुरंत पहुंच जाए, भवन से भूमि तक कैसे पहुंचे, नहीं तो हम यहां खुश हो जाते हैं कि फलानी चीज हमने तय कर ली, ऐप लॉन्च हो गया और ऐप का फायदा नहीं मिल रहा नीचे, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए जो चीज हम यहां तय करते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, योजना बनाते हैं, वो कैसे सीधे नीचे जाए किसान तक, उसको एजुकेट करने में, नीचे तक ले जाने में राज्यों का सहयोग भी चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस वैज्ञानिक तरीके से MSP बढ़ाई जा रही है, अभी बढ़ी हुई MSP की दरें आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा देकर MSP तय होगी।